क्रिकेटर हो गया, कोचिंग हो गई, कमेंटेटिंग भी हो गई, अब भाई अगले चीफ सिलेक्टर बनेंगे रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जो ये नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा भाई एकदम चरम अपनी सीमा पे है, लगातार बयानबाजी होती है रवि शास्त्री की तरफ से। अब एक बार फिर रवि शास्त्री की एक और खबर आई है जहाँ पर भाई रवि शास्त्री का नाम अब यहाँ पर अजीत आगरकर के बाद रवि शास्त्री का नाम आ रहा है कि भाई रवि शास्त्री जो चीफ सेलेक्टर की जो रेस है भारतीय टीम की, उसके अंदर रवि शास्त्री का भी नाम जुड़ गया है। भाई यहाँ पर लगातार बयानबाजी हुई थी, लगातार नाम आए थे, भाई वीरेंद्र सहवाग का नाम आया था, अब उसके बाद रमेश पवार का नाम आया था कि भाई ये चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं भाई सबको कुछ ना कुछ दिक्कत थी, किसी को पे स्केल कम लगा, किसी को कुछ दिक्कत थी। लेकिन अभी जो फिलहाल रेस के अंदर नाम है, एक नया नाम जुड़ा है, और वो नाम है टीम इंडिया के भाई फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कोच रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री ने भाई भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी कुछ किया है, चाहे वो बतौर कोच हो, चाहे वो बतौर प्लेयर हो। भाई बतौर कोच उन्होंने टीम इंडिया को ओवरसीज काफी ज्यादा जीत दिलाई, और विराट कोहली और रवि शास्त्री का जो कॉम्बो था ना, वो काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि भाई ये खिलाड़ी, ये कोच, ये पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के लिए अगला चीफ सिलेक्टर बन सकता है। अभी भाई फिलहाल जो नाम है सबसे ज्यादा वो ट्रेंड पे है भाई अजीत आगरकर का। लेकिन अगर किसी कारणवश अजीत आगरकर सीनियर यानी कि भाई चीफ सेलेक्टर नहीं बनते, तो जो अगला नाम है वो है भाई रवि शास्त्री का। यानी कि भाई अजीत आगरकर फिलहाल सबसे ज्यादा टॉप कंटेंडर है, और रवि शास्त्री का यहाँ पर जो, उसके बाद अगर मैं बात करूँ अजीत आगरकर का यहाँ पर ये सीन है कि भाई पांच सेलेक्टर यहाँ पर चुने जाएंगे अजीत आगरकर के साथ, पांच सेलेक्टर और अलग अलग जोन से। उसके अंदर जो अजीत आगरकर का जो पहले पे स्केल की दिक्कत आई थी कि भाई लोग कह रहे थे कि भाई पे स्केल कम है, जिन जिन खिलाड़ी को अप्रोच किया गया था बतौर बीसीसीआई सेलेक्टर के लिए 1 करोड़ का पे स्केल है, बाकी जो मेन का जो मेन सेलेक्टर है उनका 1 करोड़ का पे स्केल है, और जो बाकी जो 4 सेलेक्टर होंगे उनका पे स्केल 90 लाख है। अब जो खबरें आ रही है कि भाई ये खबरें आ रही है कि जो चीफ सेलेक्टर होगा उसका पे स्केल बढ़ाया भी जा सकता है अगर चीफ सेलेक्टर बनते हैं अजीत आगरकर, क्योंकि भाई अजीत आगरकर सीनियर खिलाड़ी हैं, और एक क्राइटेरिया भी होता है कि जितने भी आवेदन आपके पास आएंगे, एप्लीकेशन आएंगे चीफ सेलेक्टर के, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी होगा उसको चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है। तो भाई ये चीज़ है, और अगर यहाँ पे अजीत आगरकर चीफ सेलेक्टर नहीं बनते तो जो दूसरा नाम यहाँ पर आ रहा है भाई, वो नाम आ रहा है किसका, रवि शास्त्री का। और रवि शास्त्री के बाद एक नाम और जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है भाई दिलीप वेंगेशकर का। यानी कि दिलीप वेंगेशकर का भी नाम भी टॉप सजेशंस में है भाई, ये खिलाड़ी भी आपको चीफ सेलेक्टर की रेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, और ये दिलीप वेंगेशकर का नाम भी आ रहा है कि ये खिलाड़ी भी आपको चीफ सेलेक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई सबसे पहले नाम है भाई अजीत आगरकर का, उसके बाद रवि शास्त्री, और उसके बाद एक और नाम यहाँ पर आ रहा है किसका, दिलीप वेंगेशकर का। तो भाई यहाँ पर तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो 30 जून है, वो आखिरी तारीख की 30 जून तक आप आवेदन दे सकते हैं, और 30 जून के बाद कोई भी आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 30 जून तक जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपने भाई मिनिमम 10 टेस्ट मैच, 10 वनडे, जो कुछ भी है, ये तमाम मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, ये पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो भाई इन सब चीज़ों में जो स्टैंड आउट करेगा उसको सिलेक्टर चुना जाएगा। 30 जून वो आखिरी तारीख है, और हो सकता है कि 7 जुलाई वो तारीख है जहां पर आपको आपका मुख्य चीफ सेलेक्टर भी घोषित होता हुआ नजर आए एपेक्स काउंसिल मीटिंग के अंदर। अब एपेक्स काउंसिल वाली मीटिंग की भाई क्या कुछ खास बात रहेगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।